हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अब मैं लग गई हूँ साफ सफाई में, तो आज हेलो जी। तो अब मैं तैयारी करी हूँ गुलाब जामुन बनाने की, जो रेडीमेड ये आता है बाज़ार में, तो आज मैं इससे गुलाब जामुन बनाऊंगी। और यहाँ पर रख दी है मैंने चाशनी बनने के लिए, 500 ग्राम के करीब इसमें चीनी डाल दी और 1 कटोरी के करीब इसमें पानी है। तो ये हमें 2 तार की बनानी होगी चाशनी। तो चलिए पहले मैं इसको बना लेती हूँ, घोल लेती हूँ, इसे गूँथ लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं। ये मिक्सर इसमें डालकर और हल्के हल्के हाथ से लगाना है, आटे की तरह गूंथना नहीं है ये, नहीं तो हमारी गुलाब जामुन टाइट हो जाएंगी। बस पानी से ही गूंथ लेना है, हल्का सा, सॉफ्ट सा। बस जी, तो अब टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं, चाय वगैरह ले ली है और कल वो जो सूट की सिलाई करनी थी तो अब उसकी तुरपाई करने की सोच रही थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एकदम वाइट कलर का सिंपल सा सूट जिसका बोट नेक बनाया है, इस तरह की इसकी बाजू है और सिंपल सा सूट है एकदम, वाइट पैंट वाइट सूट। और ये जिग जैग का एक डिज़ाइन सा बना दिया है और उस पर नीचे लगाए हैं ये वाले। वैसे तो ये अलग अलग कलर की भी बना देती मगर वाइट के साथ फिर सोचा एकदम सिंपल सा ही है, तो बस यही ऊपर नीचे इसमें लगा दी है ये वाली, इस तरह की लेस ये वाली इसके नीचे। ये यहाँ से अभी सुई धागे से इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पे लगा दूँगी, ये लटकी हुई है तो अभी इसे सेट कर दूँगी अच्छे से। और सोच रही हूँ कि यहाँ इसमें धागे से वो क्रोसिए से वो होती ना चैन, चैन एकदम लेस के जैसे, अब काफ़ी चली हुई है वो हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्लेन सूटों पे वो करती है चैन, जो काफ़ी पहले करती थी औरतें अपनी चुनियों पर, तो वो वाली चली हुई है फिर दोबारा से। तो ये और ये इसकी सिंपल सी पैंट, ये मैंने अपनी बेटी के लिए सीमा है सिला है, जो कि होली पर डालेगी तो उस दिन भी आपको दिखाऊंगी। और एक दो मेरे सूट भी हैं जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो अब मैं सीने की सोच रही हूँ। एक तो ये है जी, देखिए कैसे, ये आरकंडी का है ये कपड़ा और इस पर ये धागे की है कढ़ाई रेशमी धागे की, और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा जरी जरी वर्क है। और पैंट ये बॉटम का कपड़ा है एकदम, इसका कॉटन का अच्छे वाला है। और ये है सिफोन की एकदम प्योर वाली चुन्नी, प्योर का दुपट्टा है एकदम सिंपल सा है, हल्की हल्की बस ये लगी हुई है रिबन टाइप की लेस लगी हुई है। और ये इसमें शर्ट में नीचे भी ये हल्का सा बॉर्डर दिया गया है इस तरह का वो है, तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, काफ़ी प्यारा कलर है इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा है। येलो कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो ये सूट है तो इसको मैं सी लूँगी। आप भी बताना कि ये कैसा लग रहा है ये सूट, ये वाला गर्मी के, ये वाले सूट मम्मी ने दिए थे एक दिन के लिए गई थी तब। ये बनारसी टाइप की है चुन्नी, इस तरह का है इसकी चुन्नी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ, इस तरह की है इसकी चुन्नी। और ये कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है, जाम कॉटन, जाम कॉटन में है ये सलवार है इसकी, सलवार बॉटम का है इसका, कॉटन का कपड़ा। और ये है जाम, जाम कॉटन है, इसके भी नीचे दिया गया है वैसे ही हल्का सा बॉर्डर,
अब एक दो दिन में इनकी सिलाई भी शुरू कर दूँगी, फिर ज़्यादा गर्मी होगी ना तो पहने नहीं जाएंगे ये, तो एक दो बार गर्मी शुरू होने से पहले ही सिल कर एक दो बार में पहन लेती हूँ, फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा कपड़ा। ये वाली है इसकी कढ़ाई, कलर भी काफ़ी प्यारा है, कलर इसका ग्रे तो नहीं एकदम, कुछ हल्का हल्का ग्रीन सा, डार्क वाला ग्रीन है। तो एक ये है, अटक अटक के आवाज़ आ रही है, घबराहट सी हो चुकी है एकदम। तो चलिए एक है ये वाला, ये भी मम्मी ने दिया था, ये इस तरह की इसकी ये लगी हुई पाइपिंग, ये बटन्स, ये गले का ऊपर, और इस पर ये प्रिंट सा उड़ क्या है, सेल्टी है, कढ़ाई नहीं है ये, और ये भी सिल लूँगी। ये है इसकी चुन्नी, दुपट्टा इस तरह का है, और इसकी बॉटम, इसकी बॉटम है कुछ इस तरह की प्रिंट की। बस एक दो दिन मैं अभी ने काट लूँगी और फिर सिल लूँगी गर्मी ज़्यादा शुरू होने से पहले ही, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिर नया कपड़ा डाला भी नहीं जाता। तो अभी और एक और है लास्ट वाला, इसकी चुन्नी बतानी कुछ अलग से कलर की है, सूट अलग कलर का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा प्यारा कपड़ा है इसका, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम रेयॉन का कपड़ा है सर। ये और रखी इस पर प्रिंटिंग है, ये भी कढ़ाई नहीं है, प्रिंटिंग दे रखी है नीचे, ये हल्की सी ये समोसा लैस दी गई है नीचे। तो ये और ये है इसकी बॉटम, ये भी प्रिंटेड है, प्रिंट है इसमें, और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है एकदम सॉफ्ट प्यारा सा। और कलर है इसका डार्क ग्रीन, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है ना वो काई काई सा कलर, तो वो वाला कलर है इसका। तो इसकी तो सोच रही थी कि इसका तो प्लाजो सिल लूँगी, और वो बाकी जो है उनकी येलो वाले की पैंट और इन दोनों की सलवार सिल लूँगी। ये चार सूट है, पहले कटिंग करूँगी फिर उसके बाद एक एक करके, एक दिन कमीज सिल दिया, एक दिन सलवार सिल दी, एक दिन तुरपाई कर दी, इस तरह से एक एक दो दो करके पूरी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ में और घर का भी बहुत सारा काम होता रहता है ना, एक एक दिन एक बस सिलाई करनी है, उतनी जल्दी भी नहीं है कि बस भाई आज के आज ही पूरा करना है। ये वाइट वाला मैं एक दिन में पूरा कर दिया था। तो ये थे जी मेरे सूट, तीन चार सूट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो, मेरे सूट कैसे लगे, कौन सा सूट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।